ज्ञानं त्राये प्राणं रक्षति इति वा गायत्री मन्त्र वेदोपवन मन्त्र एक बार सहज से गायन करें ओम भूर्भुवः स्वः आनंद ज्योति से परिपूर्ण कहा गया है। इसके अंदर रत्नों की प्राप्ति
में शांत हो जाता है, हमारी अल्फा तरंगे बढ़ जाती है और हमारा शरीर ठीक प्रकार से कार्य करता है, रक्त संचार ठीक प्रकार से हो जाता है और शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। विश्राम। अगले अभ्यास के लिए बढ़ेंगे। अगला अभ्यास मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जिसको कहा जाता है। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट श्वास को इंजेक्ट करें और जब श्वास पूरा अंदर भर जाए तो फिर राइट से उसको बाहर छोड़ दें, गहरा और लंबा श्वास बाहर छोड़ें, फिर उसी से अंदर भरें और फिर उसके बाद लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल का प्रयोग करें, लेफ्ट से श्वास अंदर भरें, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड देन एक्सहेल फ्रॉम द राइट एंड देन इनहेल फ्रॉम द राइट ओनली एंड देन इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। यही क्रम हमारा जारी रहेगा, हमारी साइनस की समस्या से दूर हो जाती है, न्यूरो समस्याएं हमारी सभी दूर हो जाती हैं, इसके माध्यम से हमारा मन शांत हो जाता है। प्रातःकालीन पवन वेला में हम सभी योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम सभी साधक योगा विद्यार्थी उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वयं का कल्याण करना चाहिए, उसके बाद दूसरों के लिए सोचें। प्राणायाम हमें हमारे प्राणों को कंट्रोल करता है, प्राणों को आयामित कर देता है, कंट्रोल करता है, हमारी श्वसन गति को कम कर देता है, हमारी हृदय गति को कम कर देता है, हृदय स्पंदन को कम कर देता है। प्राणायाम यही कार्य करता है, शरीर के अंदर हल्का पर लेकर आता है, शांति देता है। योग हमें जहाँ शारीरिक और मानसिक आरोग्य देता है, वहीं हमें आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल ये हमें ईश्वर के नजदीक लाने का कार्य करता है। आप सभी बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं, लंबा और गहरा श्वास अंदर भरें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल के द्वारा श्वास अंदर भरें। दो से तीन मिनट अवश्य इस अभ्यास को करें और यदि आपके पास समय अधिक है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, 20 मिनट तक इसको ले जाया जा सकता है। विश्राम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर का समापन करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर को छोड़ देंगे, रिलीज रिलैक्स। ये था हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ियों को शोधित कर देता है, हमारे विकारों को दूर कर पूरे शरीर को आरोग्य देता है और एक शांति हमारे अंदर बनाए।